हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टोपोलॉजी के बारे में, और स्पेशली उसमें हमने डिस्कस किया मैश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में सबसे पहले तो डायग्राम से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बस टोपोलॉजी एक्चुअल में होती कैसे है। सबसे पहले तो एक बैकबोन केबल है, इसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल। जो बीच में ये केबल है दैट इज कॉल्ड बैकबोन, कोएक्सियल केबल भी बोल सकते हो, या इसको थिक इथरनेट वायर भी बोल सकते हो। थिक इथरनेट वायर बेसिकली मतलब क्या होता है थिक इथरनेट का, जहां पे बैंडविड्थ बहुत हाई होती है। हम यहां पे बैंडविड्थ को हाई क्यों रख रहे हैं, बिकॉज इस पूरे केबल के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये देखो ए बी सी डी चार डिवाइसेस हैं, वो इस केबल के ऊपर कनेक्टेड है थ्रू द ड्रॉप लाइंस। इनको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइंस, ये भी वायर्स ही हैं, और इसको बोलते हैं हम टैप। टैप इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बैकबोन को और ड्रॉप वायर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ लें कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पे एक्चुअल में आते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये वीडियो में जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्दो वो बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, लेकिन स्पेशली यूजीसी नेट में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, या इवन केवीएस में या इवन गेट के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमें लगते हैं कि इसमें मैं कर लूंगा या इजीली मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं, लेकिन जब हम पॉइंट को देखते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ केबल्स की, तो बस टोपोलॉजी में कितनी केबल्स चाहिए, एक तो बैकबोन केबल है, और दूसरा जितने डिवाइसेस हैं वो सारे डिवाइसेस किसके साथ कनेक्टेड हैं, ड्रॉप लाइंस के साथ। तो ड्रॉप लाइन क्या है, एक तरह से वायर ही है। तो इफ एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आर देयर एन ड्रॉप लाइंस यू वांट, मतलब अगर डिवाइसेस एन है, टोटल एन नंबर ऑफ डिवाइस, तो कितनी ड्रॉप केबल्स चाहिए, एन प्लस वन। ये प्लस वन क्यों है, बिकॉज ऑफ बैकबोन। ये बैकबोन भी तो एक मेजर केबल है, थिक इथरनेट। नंबर ऑफ पोर्ट्स, हर एक डिवाइस पे मेरे को कितने पोर्ट्स चाहिए, हर एक डिवाइस पे मेरे को एक पोर्ट चाहिए, और अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस n है तो टोटल पोर्ट्स कितने हो गए, यहां पे n नंबर ऑफ पोर्ट्स हो गए। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के बारे में अगर पूछ रहे हैं कि बस टोपोलॉजी रिलायबल है या नहीं, जैसे कि मैश में हमने डिस्कस किया था कि मैश बहुत ज्यादा रिलायबल है, कि अगर कोई पॉइंट ऑफ फेलियर अक्कर होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्या मेरे पास कोई और वे है मैसेज को सेंड करने का या ट्रांसमिट करने का। लेट्स से ए वांट टू ट्रांसमिट टू डी, तो वो किस पाथ को यूज करेगा, इस पाथ को। बी वांट टू ट्रांसमिट टू डी, तो वो भी किस पाथ को यूज करेगा, इसी चैनल को, इसी वायर को वो यूज करेगा। तो यहां पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब अगर इस वायर में कोई प्रॉब्लम अक्कर हो गई, मतलब इस बैकबोन वायर में अगर प्रॉब्लम अक्कर हो गई, तो पूरा का पूरा टोपोलॉजी जो है, पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो रुक जाएगा। तो यहां पे रिलायबिलिटी जो है वो नहीं है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर ए बी को मैसेज भेज रहा है तो सी या डी को पता लगेगा, यस पता लगेगा, बिकॉज ये ए और बी को मैसेज जब सेंड करेगा ए बी को, तो वो मैसेज सी और डी के पास भी जाएगा, क्योंकि केबल कैन नॉट डिसाइड, केबल फिल्टर नहीं कर सकती। फिल्टर करने का फंडा जो है वो यूज करते हैं हम स्विचेस में या इवन राउटर्स में, लेकिन यहां पे केबल सारों को मैसेज भेजेगी। जिसको वो मैसेज मिलेगा, लेट से बी को मिला, सी को मिला, डी को, लेकिन उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस किसका होगा, बी का, तो बी को पता लग जाएगा ये मैसेज मेरे लिए। तो यहां पे सिक्योरिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट कॉस्ट, कॉस्ट की अगर बात करें तो यस इट इज चीप, मतलब कॉस्ट इसकी जो है वो कम है एज कंपेयर टू द मैश टोपोलॉजी, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ केबल्स भी हमारे पास कम। एक यहां पे मैंने ये छोटा सा पॉइंट नोट करवाया, टर्मिनेटर या रिपीटर, हम केबल के एंड में क्या लगा देते हैं, रिपीटर भी लगा सकते हैं। इसका रीजन क्या है, लेट्स से कि इस केबल का लेंथ जो है वो है 500 मीटर, क्योंकि लेंस के लिए हम यूज करते हैं, और लेंस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो अगर इस केबल के अंदर 500 मीटर तक ही डेटा जो है वो सेंड हो सकता है, और अगर लैन का साइज मुझे 1 किलोमीटर करना है, तो 1 किलोमीटर कैसे करोगे, आपने एक और लैन लगा दी, उस लैन का भी साइज कितना, लेट्स से 500 किलोमीटर, 500 मीटर।
तो यहाँ पे आप रिपीटर लगा सकते हो। रिपीटर क्या करता है एक्चुअल में, रिपीटर जो है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को अप कर देता है, जिससे सिग्नल और ज्यादा डिस्टेंस जो है वो मूव कर सकता है। रिपीटर की फंक्शनैलिटी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर चेक कर ले। तो ये जो है वो मेजर पॉइंट्स हैं बस टोपोलॉजी के रिगार्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कोलिजन का, कोलिजन, क्योंकि ये मल्टी पॉइंट नेटवर्क है। मल्टी पॉइंट नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि एक वायर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है और वो उस वायर को शेयर कर रहे हैं। यहां पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, मैश टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट था, दिस इज मल्टी पॉइंट। तो मल्टी पॉइंट में प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल डिवाइसेस शेयर कर रहे हैं तो कोलिजन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो मैक्सिमम कोलिजन कितनी हो सकती है, एन, मतलब सारे डिवाइसेस ने अगर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया एक ही टाइम पे तो वो सारे के सारे सिग्नल्स आपस में कोलाइड हो जाएंगे। ये जो है वो काफी प्रॉब्लम है। ऑल्दो फिर हम टोकन वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे टोकन मेथडोलॉजी को यूज कर सकते हैं या CSMACD मेथड को यूज करते हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग के अंदर। रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या है, बस टोपोलॉजी के दोनों एंड को अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली एक, जैसे यहां पे मैंने चार डिवाइसेस लगाए हैं ABCD, इसमें एक डिवाइस होता है वो एज ए मॉनिटर काम करता है, जो पूरे रिंग टोपोलॉजी को मॉनिटर करता है, बाकी सारे आपस में डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहां पे भी अगर हम नंबर ऑफ केबल्स की बात करें तो नंबर ऑफ केबल्स, एक तो मेरी जो बैकबोन है वो प्लस 4 ड्रॉप लाइंस, तो सेम है। नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें वो भी सेम है, बिकॉज हर डिवाइस के साथ एक एक पोर्ट चाहिए। रिलायबिलिटी की बात करें, यस, इट इज ऑल्सो लेस रिलायबल, बिकॉज अगर ये लिंक खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि अगर ये रिंग खराब, यहां पे अगर ये वाली वायर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ए और बी आपस में सेंड कर सकते हैं, नो, ए और बी भी सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, सर्किट टूट गया तो ए और बी भी आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो रिलायबिलिटी जो है वो इसमें भी क्या है, कम। और दूसरा सिक्योरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें भी सिक्योरिटी जो है वो कम है, बिकॉज डिवाइस अगर कोई सेंड करेगा मैसेज वो सारों के पास पहुंचेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट, तो इसकी भी कॉस्ट रिलेटिवली दोनों की कॉस्ट जो है वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन रिंग और बस को अगर हम कंपेयर करें तो रिंग में बेसिकली क्या है, एक तो ये यूनिडायरेक्शनल है स्पेशली, कि अगर एक डायरेक्शन में जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा, यहां पे भी हम टोकन्स को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टोकन रिंग। तो टोकन रिंग की वजह से हम कोलिजन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। कोलिजन यहां पे भी काफी है, यहां पे भी काफी है, एज कंपेयर टू द मैश टोपोलॉजी। लेकिन ये जो है वो बेसिक पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है बस टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में, और इन पॉइंट्स के ऊपर, स्पेशली इन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। थैंक यू।